जब किसी समस्या का समाधान करना हो तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है, किसी रूठे हुए को मनाना हो तो भी बुद्धि की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपके पास अच्छी बुद्धि यानी कि अच्छा दिमाग यानी कि किसी भी काम को वेरी स्मार्टली करने का आपके पास बुद्धि ना हो, सोच ना हो, विवेक ना हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी किताबों के रट्टा मार लें, या फिर कितने भी चैप्टर्स को माइंड में रख लें, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुरोचना, अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके पीछे कुछ पर्सनल कारण था, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो तो बनाना है आप सबके लिए, तो मैं फिर से पूरे जोश के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो चैप्टर मैंने शुरू किया है या मैंने आप सबके लिए सोचा है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के चैप्टर पे अगर आपकी हो गई अच्छी पकड़ तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से सॉल्व करने में या फिर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, है ना। तो चलिए, इंटेलिजेंस क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचारधाराओं को सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बुद्धि की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है। स्पीयरमैन ने दी है, टर्मन ने दी है, बीने ने दी है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो परिभाषा मानी जाती है मनोविज्ञान के अंतर्गत वो है वेस्लर की परिभाषा। वेस्लर की परिभाषा को ही सबसे उत्तम परिभाषा माना गया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि किसने क्या परिभाषा दी है। पहले तो हम समझ लें कि एजुकेशनल डिक्शनरी जो होती है उसमें क्या है बुद्धि की परिभाषा। उस एजुकेशनल जो डिक्शनरी है वो कहता है बुद्धि जो होती है वो किसी भी चीज को अक्वायर करके अप्लाई करना है, यानी कि हम किसी चीज को अर्जित करते हैं और उसको फिर बाद में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जरा एक बात गौर से सोचिएगा कि क्या हम सिर्फ कुछ चीजें अर्जित करके ही उसे अप्लाई करते हैं। एक छोटा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो चिल्ला चिल्ला के रोना सीख जाता है। यहाँ पे वो कहाँ कुछ अर्जन कर पाया, नहीं किया ना। चलिए, ये तो खैर जैविक जो क्वालिटी है वो है। दूसरी परिभाषा है वुड्सवर्थ की। वुड्सवर्थ ने क्या बताया है कि किसी चीज को अक्वायर करके और उसे अपनी क्षमता बना लेना, यानी कि जो हमने सीखा उसे अपनी क्षमता के रूप में बदल देना हमारी परिभाषा को। तो यहाँ पे आपको मैं समझाती जा रही हूँ कि दो वर्ड्स में ही मैंने पूरे परिभाषा को खत्म इसलिए किया है, इसकी परिभाषा लंबी हो सकती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी वो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। और हाँ, दूसरी चीज मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदी में जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो कई जगह ऐसा टिपिकल हिंदी के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस इसी में है कि हम किसी भी चीज को हिंदी में भी पढ़ लें और थोड़ी बहुत इंग्लिश का ही पढ़ लें, ताकि अगर हिंदी में हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो इंग्लिश के वर्ड तो वो रहेंगे ही रहेंगे, तो उससे हम पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। वुड्सवर्थ मैंने क्या कहा है, टू अक्वायर द कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटी को अक्वायर कर लेना ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब देखिए, यहाँ पे बुद्धि को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब हो गया किसी चीज का गहरा चिंतन करना, किसी भी विषय पे बहुत ही अच्छे तरीके से जब हम डेप्थ में जा करके चिंतन करते हैं वो होती है बुद्धि। ये बात किसने कही है, टर्मन ने। टर्मन ने क्या कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
थिंकिंग ही इंटेलिजेंस है, यानी कि जब हम किसी चीज को बहुत ही तह तक जा करके सोचते हैं वो इंटेलिजेंस है। स्पीयरमैन ने कहा है कि रेशनल थिंकिंग यानी कि विवेकपूर्ण जो चिंतन होती है, स्पीयरमैन ने कहा कि विवेकपूर्ण चिंतन रेशनल थिंकिंग ये बुद्धि है। तो उनका कहना बिल्कुल सही था कि हम किसी भी विषय पे अगर लॉजिकली हम किसी चीज को समझें और वो उसको एक एक चीज को एक एक पॉइंट को समझें तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप मैथ में अगर पढ़ते हैं कई बार तो वहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल जो होता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, रेशनल यूज होता है यानी कि विवेक ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि स्पीयरमैन की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही है कि वो हमारी जो बुद्धि होती है वो रेशनल थिंकिंग ही होती है। बीने बीने जिन्होंने सबसे पहला 1905 में अपना इंटेलिजेंस का एक इन्वेंटरी इन्वेंट किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि टू थिंक वेल, अच्छे तरीके से सोचना, टू जज वेल, अच्छे तरीके से किसी चीज को जजमेंट करना, एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल यानी कि खुद को क्रिटिकल बना करके रहना, यानी कि आप इतने माइल्ड मत बन जाइए या फिर अपने आप को इतना इजी मत कर दीजिए कि लोग आपको समझ करके आपका नाजायज फायदा उठाए। आपको हमेशा अपने आप की पर्सनालिटी को बिल्कुल सीक्रेट वे में सर्व करना होता है, आपको किसी को पता नहीं चलने देना हो चाहिए कि आप क्या है। अब जो वेस्लर की जो परिभाषा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, बिल्कुल या ये कहा जाए कि बिल्कुल सटीक परिभाषा है। उन्होंने कहा कि किसी चीज के ऊपर जब हम एक्ट करते हैं तो पर्पसफुली करना चाहिए, लॉजिक के साथ सोचना चाहिए और अपने वातावरण के साथ इफेक्टिवली डील करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सब कुछ आ गया, पर्पसफुली हमें एक्ट करना है, बिना मतलब का हमें किसी भी तरीके का काम नहीं करना है, जो भी करना है कोई ना कोई उसका उद्देश्य होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप कई बार सोचते हैं कि चलो किसी से फालतू में गप कर ले, आप गप करने तो चले जाएंगे लेकिन आप गए 5 मिनट के लिए और हो सकता है कि वो 6-7 घंटे लग जाए या 2 घंटे ही लग जाए, तो आपका टाइम हो गया बर्बाद। तो कोई भी काम कीजिए पर्पसफुली कीजिए, किसी भी चीज को रेशनली यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से सोचिए। किसी भी चीज को अगर आपने सोच लिया, जैसे आपको बिजनेस करना है या कोई भी ऐसा काम करना है, जैसे कोई बच्चा सोच लेता है कि मेरे को MBA करना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, अगर उसने सोच लिया अब वो ये नहीं सोचेगा कि इसके आगे पीछे होने वाला क्या है, वो सिर्फ डॉक्टर बनना है मुझे और डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर देता है। उसके बाद कई बार उसकी डॉक्टर बनने की जो प्लानिंग होती है शायद बीच में रुक जाती है, हो सकता है उसका जो समय हो उसको फेवर नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसकी IQ उस लेवल की नहीं हो या हो सकता है कि उसकी मॉनेटरी लेवल उस टाइप की नहीं हो, तो तीनों ही कंडीशन में वो फेलियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज को रेशनली सोचना होता है, लॉजिकली सोचना होता है। अगर हमने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे तीनों चीजों पे पहले फोकस कर लेना होगा कि क्या मैं डॉक्टर बनने की क्षमता रखता हूँ, क्या मेरे पास उतने पैसे हैं या फिर क्या मेरी जो अपना एनवायरनमेंट है वो मुझे सपोर्ट करेगा। अब इन तीनों चीजों को सोच समझ करके जब वो स्टेप लेता है तो हो सकता है कि रास्ते में बाधाएं बहुत आएंगी, हो सकता है कि एक दो अटेम्प्ट करना पड़े लेकिन दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसको प्रमोट करने के लिए उसके पीछे वो तीन फैक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर हमें अपने एनवायरनमेंट को यानी कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं जितनी चीजें हैं उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तभी हम हैं। अगर हम डॉक्टर बन भी गए तो क्या फायदा अगर बीमार लोग ना मिले, या फिर कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा क्लाइंट क्या होगा, हमारा क्लाइंट कौन होगा। एक टीचर टीचर बनने से पहले ये सोच लेता है कि उसके जो
क्लाइंट्स होंगे वो नन्हे नन्हे बच्चे होंगे या थोड़े किशोर बच्चे होंगे या फिर यंग बच्चे होंगे या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे, कौन से बच्चे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी होती है। यानी कि यहाँ पे तीनों ही चीजें वेस्टलर की परिभाषा में आपको सब कुछ मिल गया। उद्देश्यपूर्ण सोचना है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करना है, लॉजिकली सोचना है और अपने वातावरण के साथ इफेक्टिवली डील करना है। ठीक है, चलिए अब इंटेलिजेंस के कुछ खास टाइप्स होते हैं। टाइप्स को मैं आपको अभी इलेबोरेट कर देती हूँ। अभी आप लोगों ने एक पढ़ लिया है टाइप, वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। लेकिन अब मैं आपको तीन टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसको बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, कॉन्क्रीट और सोशल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग और सोशल थिंकिंग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब हो गया कि कोई भी चीज है उसे आप गहराई से सोचें। जैसे आपने एक पेड़ देख लिया कहीं पे भी रास्ते में, तो आप सिर्फ देख लिया कि एक पेड़ है, बस यहाँ तक सोचा, ये आम का पेड़ है, यहाँ तक भी सोच लिया, तो ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गई। यानी कि सतही जो सोच होती है वो हो गई कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त चिंतन या मूर्त इंटेलिजेंस कह लीजिए। यहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंस कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब इसका जो डेप्थ फॉर्म होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। यानी कि आपके सामने कोई पेड़ है, आपने आम का एक पेड़ देख लिया, उस पेड़ को देख करके अब आप इस पे बहुत कुछ सोच सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन ये सोच सकता है कि काश इसमें जितने पेड़ में जितने फल लगे हुए हैं वो सारे मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। और मिल जाते हैं तो पहले कैलकुलेशन कर लेगा कि मुझे 10,000 देना होगा और उसके बाद मैं इससे हो सकता है कि 1-1.5 लाख कमा लूंगा। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो डेप्थ में जाकर के सोचना हो जाता है। आप किसी चीज को बहुत ही भली भांति सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और उस पर विचार करते हैं, वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही मजे की चीज होती है। सोशल इंटेलिजेंस में आप ये समझ पाते हैं कि कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है तो उसको अच्छे बिहेव करने के लिए किस तरीके से उनको हेल्पलेस किया जाए कि वो आपके साथ अच्छे बिहेव करेंगे। आप उसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो अपना पावर दिखा सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, या फिर आप बहुत ही पोलाइट वे में कहने लग जाते हैं कि अगर मुझसे गलती हो गई तो सॉरी और नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होगी। और फिर आप, तो ये हो गई सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस में आप किसी को भी अपने मन के अनुसार काम करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ करना होता है, अगर किसी से आप काम लेने जा रहे हैं तो आपको उसके काम भी आना होगा, तभी जाकर के बात बनती है। तो सामाजिक जो दायरा होता है, कहा जाता है कि इंसान जो होता है वो सामाजिक होता है और बिना समाज के इंसान रह नहीं सकता, इसलिए उसे सामाजिक तौर पे मजबूत भी बनना होता है, समाज की मदद करनी होती है और समाज से मदद लेनी भी होती है। तो दोनों ही काम करने के लिए हमें जब तैयारी होती है, हम तैयार हो जाते हैं, तो वही कहलाती है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि उसकी इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। अगले वीडियो में आपको मैं जितने थ्योरीज हैं उन सारे थ्योरीज को आपको बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सबके साथ मिलजुल कर रहें और दूसरों के काम भी आए और उनसे काम लेने की जरूरत पड़े तो भी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अगले वीडियो की मैं तैयारी करने जा रही हूँ, तब तक के लिए
नमस्ते।